हजार लोगों के पास निशानियाँ, क्या आप में भी ये गुण है? आज हम जानने वाले हैं कि समझदार लोगों के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण वे सफल होते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उनके ऐसे पांच गुण जो ऐसे समझदार व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होंगे। तो आप देखिए कि ये गुण आपके अंदर है या नहीं है। कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। समझदार लोगों का पहला गुण होता है कि वह बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज़्यादा करके दिखाते हैं। कई लोगों को आपने सिर्फ बकवास करते हुए सुना होगा, वो सिर्फ बोलते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में कभी कुछ करके नहीं दिखाते। जबकि जो लोग कम बोलते हैं और समझदार होते हैं वे बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कई गुना ज़्यादा करके दिखाते हैं। कई लोग तो आप में ऐसे भी देखे होंगे जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपनी ही बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं और उसी वजह से वो मूर्खता का पार्क बन जाते हैं। जब व्यक्ति कम बोलता है ज़्यादा सुनता है तो वह कभी भी लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ता है, और उसकी खुद की भी किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ अपने काम और सिर्फ अपनी बातों से मतलब रखता है। इसलिए आपके अंदर देखिए कि आप कम बोलने वाले शांत व्यक्ति हैं या फिर ज़्यादा बोलने वाले एक उपद्रवीय व्यक्ति हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। समझदार लोगों की दूसरी निशानी होती है कि वे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो गहन अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसका डिटेल में पता लगाते हैं। जबकि कम समझदार लोगों की कहानी होती है अध जल गगरी चल कर जाए, उनके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है लेकिन वो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं। जबकि समझदार व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि अभी वह बहुत ही कम सीखा है। हर समझदार व्यक्ति का एक नियम होता है कि वह दिन का इतना घंटा तो अपने नए ज्ञान को बढ़ाने के लिए या किताब पढ़ने के लिए जरूर देगा। खुली आँखों से सपने देखते हैं। समझदार व्यक्ति की अगली तीसरी निशानी होती है कि हमेशा ही खुली आँखों से सपना देखता है। ढींगे नहीं आँखता जो चीज़ों को और बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता। जितना उसके पास है सिर्फ वही ज्ञान और वही चीज़ को लोगों के साथ साझा करता है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति टोटल इसके उल्टा होता है। इसके पास जितना नहीं होता वो उन चीज़ों को भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताता है और अपने ढींगे ही आँखता रहता है। समझदार व्यक्ति के पास एक नई प्लानिंग होती है, उसके पास अपनी सफलता का एक नक्शा होता है। उसे पता होता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है और बीच में किन किन स्टेप को मुझे फॉलो करना है। जबकि एक असफल और एक मूर्ख इंसान में यही गलती होती है कि उसे अपने जीवन के बारे में, लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। असफलता से नहीं डरते समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी असफलताओं से डरता नहीं है। उसे हमेशा पता होता है कि किस असफलता से उसे क्या सीख लेनी है और उसे कैसे अपनी सफलता के लिए प्लान के लिए अप्लाई करना है। जबकि कम समझदार व्यक्ति हमेशा ही छोटे छोटे असफलताओं से डर जाता है, बिलबिला उठता है, परेशान हो जाता है और उस काम को छोड़ देता है जिसे वो वाकई में करना चाहता था। भीड़ का हिस्सा बनना नहीं पसंद करते। समझदार लोगों की अगली निशानी होती है कि उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत लोगों के साथ रहना या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना पसंद नहीं आता। अब कई बार इसे लोग नेगेटिव ले लेते हैं और समझदार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अकेला ही रहना चाहिए, उसे लोगों के साथ भी रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उस इंसान को अपनी खुद की मदद भी करनी चाहिए, उसे खुद भी सफल होना चाहिए, समझदार होना होगा ताकि वह समाज का भला कर सके। तो ये थी ऐसे पांच निशानियां जो समझदार व्यक्ति की और सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होती हैं। और हाँ, अपने दोस्तों में ये शेयर करिए ताकि ये पांच निशानियां वे भी सीख सकें। धन्यवाद।